सुपर कॉप हमको अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलते हैं और दर्शकों को पुलिस मैन के ये रोल बहुत पसंद आते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम पुलिस ऑफिसर के रोल की बात करें तो हम सबसे पहले सैल्यूट करेंगे इफ्तिखार साहब को, जिन्होंने अनगिनत फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल किया, और फिर जगदीश राज साहब को, जिन्होंने 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल को बखूबी निभाया और एक तरीके से दर्शकों को आदत पड़ गई थी पुरानी फिल्मों में जगदीश राज को एज अ पुलिस इंस्पेक्टर देखने की। इसके अलावा तब्बू और प्रियंका चोपड़ा ने भी पुलिस ऑफिसर्स के बहुत यादगार रोल निभाए हैं दृश्यम और गंगाजल जैसी फिल्मों में। लेकिन हम आज बात करेंगे हॉलीवुड के उन 10 सुपर कॉप की जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पे फिल्म को हिट कराया और उनके ऊपर वर्दी खूब जमी, क्या खूब जमी, दर्शकों ने उनको बहुत पसंद आ गया। दोस्तों मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 में है रानी मुखर्जी। 2019 में आई रानी मुखर्जी की मर्दानी 2, जिसका बजट था 27 करोड़ और इस फिल्म ने 67.12 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म में एसीपी शिवानी शिवाजी राव का रोल किया था रानी मुखर्जी ने। वो उत्तर प्रदेश के एक जिले में ट्रांसफर होकर जाती हैं, जहां पर एक साइकोपैथ, एक 21 साल का लड़का होता है जो कि ब्रूटल मर्डर करता है हैरेसमेंट के बाद एक यंगस्टर लड़की का। और जब इस केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी शिवाजी राव लगती हैं तो वो उनको ही टारगेट करता है और उसके बाद पूरी फिल्म में दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी, वर्दी उनके ऊपर बहुत खूब जमी थी और मर्दानी और मर्दानी 2 दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। नंबर 9 पे हम बात करेंगे 2004 में आई राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी की। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर चंदनगढ़ में एक आतंकवादी घटना होती है। इसमें आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया जाता है, खूंखार आतंकवादी। उस आतंकवादी को लेकर पुलिस की एक टीम मुंबई जा रही होती है, जिसका नेतृत्व कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन। एसीपी अनंत कुमार श्रीवास्तव के रूप में दिखाया गया अमिताभ बच्चन का रोल इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त था। वो किस तरीके से अपनी पुलिस की टीम, जिसमें अक्षय कुमार, तुषार कपूर, कमलेश सावन, डी संतोष आदि रहते हैं, और उस आतंकवादी को वो सकुशल बचाकर मुंबई ले जाते हैं। इस फिल्म में यशवंत नागदेव जो खूंखार अपराधी है, यानी कि अजय देवगन, वो लगातार हमले करता है पुलिस टीम को उस आतंकवादी को बचाने के लिए। उसका साथ देती हैं इस फिल्म की जो एक्ट्रेस होती हैं, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, एक स्कूल की टीचर दिखाया गया है जो धोखा करती हैं, और धोखे के चलते इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर अक्षय कुमार की हत्या भी होती है। तो बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सफल यह फिल्म थी, और इसमें एसीपी के रूप में अमिताभ बच्चन के ऊपर वर्दी क्या खूब जमी थी। उन्होंने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग की थी। एक पुलिस ऑफिसर जो डर भी रहा होता है, जिसके अंदर भय होता है कि उसकी टीम मारी न जाए, लेकिन अपने फर्ज के लिए वो जी जान लगाता है। बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था इसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन ने, और बहुत ही शानदार फिल्म थी। नंबर 8 में हम बात करेंगे 2012 में आई रीमा काकती की फिल्म तलाश। इस फिल्म में आमिर खान एक पुलिस ऑफिसर बने हैं। बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर था इस फिल्म के अंदर। शुरुआत में दिखाया गया था कि एक बहुत फेमस एक्टर जो है, वो उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर समुद्र के अंदर चली जाती है। 2 मिलियन उनके पास रुपए होते हैं जो गायब हो जाते हैं, और उसके पीछे जो षड्यंत्र होता है उसकी तलाश कर रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर आमिर खान, जिनकी पत्नी से नहीं बन रही होती है, क्योंकि उनकी पत्नी की वजह से उनका 8 साल का बच्चा डूब के मर जाता है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, कई दुविधाओं में फंसे हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था आमिर खान ने, और बहुत ही इस फिल्म में वो जमे थे। इस फिल्म में उनके अलावा रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर की प्रमुख भूमिकाएं थीं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे अनुभव सिन्हा की बहुत ही लाजवाब फिल्म आर्टिकल 15 की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 पर आधारित ये फिल्म थी, जिसमें दिखाया गया था कि धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान को लेकर जो भेदभाव होते हैं, उन पर प्रतिबंध होने के बावजूद किस तरीके से
देश के अंदर जाट प्रथा को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। इस फिल्म में बहुत सी वास्तविक घटनाएं दिखाई गई थी, जिसमें 2014 में बदायूं में हुए सामूहिक गैंग रेप और 2016 ऊना में हुए दलित अत्याचार के ऊपर आधारित थी ये फिल्म। और इस फिल्म में किस तरीके से सिस्टम के ऊपर जातवाद हावी होता है वही दिखाया गया था। आईपीएस के रोल में आयुष्मान खुराना क्या खूब जमे थे और बहुत ही दमदार बेहतरीन एक्टिंग की थी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वो बहुत पसंद किए गए थे। नंबर 6 पे 2004 में आई शमिते अमीन की फिल्म अब तक 56। इस फिल्म में पुलिस मुठभेड़ में 56 लोगों को एनकाउंटर करने वाले मुंबई के प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साधु अगाशे के रोल में नाना पाटेकर इस फिल्म में बहुत जमे थे। ये फिल्म मुंबई पुलिस टीम में शामिल एक सब इंस्पेक्टर दयानायक के जीवन पर आधारित थी, जो वाकई 56 एनकाउंटर करते हैं। उनके जीवन पर आधारित इस फिल्म में नाना पाटेकर ने बहुत शानदार पुलिस ऑफिसर का अभिनय किया था और जिस तरीके से वो एनकाउंटर करते हैं वो तरीके पब्लिक को बहुत पसंद आए थे। एक ही बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें सुपर कॉप के तौर पे नाना पाटेकर को दिखाया गया था, उनका विशेष अंदाज पब्लिक को बहुत पसंद आया। नंबर 5 पे हम बात करेंगे 1999 में ईश्वर निवास की फिल्म शूल की। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक आईपीएस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में दिखाया गया था कि बिहार के बाहुबली सूरज भान किस तरीके से एक अपराधी से राजनेता बनते हैं। आपको याद होगा सूरज भान जिनके शागिर्द थे श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खूंखार गैंगस्टर, खूंखार शूटर, तो उसी के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी जिसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में मनोज कुमार ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी। शूल बहुत दिनों तक लोगों के दिमाग में ताजा रही थी। इस फिल्म में आईपीएस ऑफिसर का रोल बहुत ही जमा था मनोज बाजपेयी के ऊपर, जिन्होंने किरदार के अंदर घुस के एक्टिंग की थी। नंबर 4 में हम बात करेंगे अभिनव कश्यप की सीरीज दबंग की। दबंग की सीरीज में चुलबुल पांडे को रॉबिन हुड पांडे के तौर पर दिखाया गया है और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में सलमान खान का ये अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया था। उन्होंने अब जो उनका चश्मा लगाने का स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में सलमान खान एक सुपर कॉप के तौर पे नजर आए। नंबर 3 पे हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म यूं तो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में राउडी राठौर भी बहुत हिट हुई थी, लेकिन जिस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के तौर पर सबसे ज्यादा जमे हैं वो है मधुर भंडारकर की फिल्म आन। इस फिल्म में क्राइम ब्रांच के एसपी के रूप में थे अक्षय कुमार। मुंबई में गैंगस्टर, गैंग वॉर और उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर आधारित ये फिल्म थी। इस फिल्म में पुलिस टीम को लीड करते हैं अक्षय कुमार। उनके अलावा उनकी टीम में सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, परेश रावल ने भी बहुत ही यादगार एक्टिंग की थी। इस फिल्म में यूसुफ पठान एक गैंगस्टर बना होता है, यानी कि इरफान खान, बहुत ही बेहतरीन रोल उन्होंने इस फिल्म में किया था। और अक्षय कुमार ने जितनी भी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन एक्टिंग इस फिल्म में की थी एज ए एसपी अक्षय कुमार। पुलिस ऑफिसर की अगर बात की जाए सुपर कॉप की तो आपको सिंघम के अजय देवगन की फौरन याद आ जाती है, लेकिन जिस फिल्म में सबसे ज्यादा जमे हैं आईपीएस ऑफिसर के रोल में वो थी प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में। बिहार में साधु यादव एक बहुत ही दबंग पॉलिटिशियन होता है जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी होता है। उसका अपना एक नेटवर्क होता है जो सिस्टम पर भारी होता है। तेजपुर के विधायक के रूप में दिखाया गया था साधु यादव को। और उसके बाद जो आईपीएस अमित कुमार के रोल में अजय देवगन तेजपुर पहुंचते हैं और पूरे जो उनका स्वतंत्र होता है वो क्राइम का, उसको तोड़ते हैं। उस रोल में बहुत ही ज्यादा जमे हैं अजय देवगन। नंबर 1 पे इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जो हमेशा नंबर 1 माने भी जाते हैं। जी हाँ, रमेश सिप्पी की एक फिल्म आई थी 1982 में, फिल्म का नाम था शक्ति। ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में भी गिनी जाती है। शक्ति में अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, दिलीप कुमार ने उनके पिता का रोल किया था, एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। वहीं अमिताभ बच्चन
जो कि भटक जाते हैं अपना रास्ता और गैंगस्टर के साथ शामिल हो जाते हैं। एक अपराधी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने बेटे के लिए भी भेद नहीं करता है, उस पर आधारित ये फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के डायलॉग जो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं लोगों के जहन में। यह फिल्म आज भी उसी तरीके से ताज़ा है और इस फिल्म में दिलीप कुमार ने जो पुलिस कमिश्नर का रोल किया था वो लाजवाब था, बहुत ही जमे थे और उस रोल में उनकी ईमानदारी, उनके किस्से हमेशा के लिए बयां किए जाते हैं। बहुत बड़ी फिल्म थी। तो ये थी हमारी सीरीज़। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कहीं कोई कमी रह गई हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।